हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम फॉरम एकेडमी। आज हम जीके का पार्ट फोर लेके आए हैं, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, आरओ, एलएमआरसी, डीएमआरसी, यूपीपी, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस पूरा वीडियो आराम से देखिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी उत्तर है देहरादून में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला सवाल, भारतीय मानक समय आधारित है? भारतीय समय मानक आधारित है 82:23 पूर्व दिशांतर पर, यानी कि 82.5 ईस्ट। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? भारत का वह राज्य जो सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? नाथुला दर्रा के पास चीन है, जो कि चीन और सिक्किम के बीच पड़ता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। अगला सवाल है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है? भारतीय सेना में विजयंत एक टैंक का नाम है। अगला सवाल, चीनी यात्री फायहान किसके काल में आया था? तो चीनी यात्री फायहान राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। अगला सवाल, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? बाप बेटे का संबंध है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक के लिए जाना जाता है? भारत का सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य असम है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, यानी कि भारत के वह राज्य जिसमें सबसे अधिक चावल उगाया जाता है वह है पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के शहर दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में प्रत्येक खिलाड़ी में टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला सवाल, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। अगला सवाल, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने गया नामक स्थान जो कि बिहार में है वहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था। अगला सवाल, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक महाकवि कालिदास हैं। अगला सवाल, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यानी कि यमुना। यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला सवाल है, कौन सा शहर गंगा के तट पे बसा है? तो शहर कानपुर गंगा के तट पे बसा है। बसे तो और भी हैं लेकिन हमारे ऑप्शन में कानपुर ही है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत का कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ये हमारे जीके के 25 क्वेश्चन थे। अगर आपको ऐसे और फ्री वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल एग्जाम फॉरम एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।